अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार अमित जी, नमस्ते। मजामा बेला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुबे प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो आप उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु हैं, तो जी सारा सर, गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं, जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है। वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है जी सर, और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं। जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी इस कितनी होती प्लांट की होगी, वजह अगर से। सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे कितनी होती नहीं है। सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है साल के अच्छा, मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं नहीं आप। सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है, जैसे आपने बताया एलपीजी, बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है, क्योंकि अच्छा, जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। हाँ, और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे। मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो अभी सभी भी तरीके केले की से। खेती करते हैं? खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं, अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी शाक भाजी मिर्ची आनंद है। में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बिकते, नड़ियाद और आनंद, केले? केले भी आनंद और नड़ियाद में बिक जाते हैं। और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं, लीफ है वगैरह है, सो जो भी बाद में रहता है वो। अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं? गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको? तो अभी जी सर, आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने ऊपर किसान से होंगे जो इनकम, इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, जी सर, ये बनने के बाद आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया है? अरे सर, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। पहले वो ढेर होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहां पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए, ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ भेज देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं सर जी। देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको ज़मीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक
पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही जमीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए आप, बहुत फायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है, तो आपको एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है। देखिए भाई, आपका तो ये प्लांट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में, कुल कितने पशु का ये गोबर इसमें इकट्ठा होता होगा डेली? सर इसमें डेली हम 40 से 50 मेट्रिक टन गोबर डिस्पोज करते हैं। कितने गांवों से इकट्ठा करते हैं? करीबन 20 से 25 गांव के आसपास। 25 गांव से, और कितने पशु का होता होगा? खंबा तक करीबन 1500-2000 पशु। 2000 पशु का गोबर, वहाँ सफाई भी हो जाती है और आपके यहाँ आ जाता है। और आपका गैस कहाँ कहाँ बिकता है? सर अभी हमने सतत प्रोग्राम के अनुसार हमने अपना गैस सीजीडी पाइपलाइन सिटी गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, सिटी गैस में बिकता है आपका गैस? यस सर, यस सर। तो वो जो कमाई होती है वो आपकी कंपनी की होती है, उसमें भी किसानों को कुछ मिलता है? वो कमाई सर कंपनी की होती है। कंपनी की होती है। और लेकिन जो गोबर आता है उसके बदले में उतना फर्टिलाइजर आप दे देते हैं वापस? यस सर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत आता है सर, आजू बाजू की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि चिकोरी वेस्ट है, पोटेटो वेस्ट है, वो सब वेस्ट भी हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। टोटल 240 मेट्रिक टन पर डे हम यहाँ पे वेस्ट डिस्पोज करते हैं, और उससे 7200 किलो गैस पर डे हम उत्पादन करते हैं। अच्छा। और 50 से 60 मेट्रिक टन जैविक खाद। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अमित जी से भी बात करने का मौका मिल गया, और ये आप क्लीन एनर्जी का जो प्रति इतनी जागरूकता पैदा की है, और बड़ा प्लांट कितना बड़ा फायदा करता है, आज जब देशवासी देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जरूर भविष्य में लोग इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे, और सब लोग चाहेंगे कि भी उनके इलाके में भी ऐसे प्रोजेक्ट बने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।